और यहाँ आपको बताएं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट को। देखिए एशिया कप फिर T20 टीम आपकी जीतेगी तो आपकी बोर्ड की भी हैसियत होगी, दुनिया आपकी तरफ देखेगी भी और आपको इग्नोर नहीं कर सकेगी, इसलिए टीम का जीतना तो बहुत जरूरी है और हमारी उम्मीद है हमारे बच्चे हमारे प्लेयर्स हमारा जो परचम है उसको बुलंद करेंगे और सबको खुशियां लाएंगे सबके लिए। सर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्या वो रिफ्यूज कर रहे हैं आप सर खेलने के लिए तो कोई और मसले है? क्या चीज जी आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं बार बार, क्या बाकी बोर्ड ने रिफ्यूज किया आप तक? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रिफ्यूज की बात नहीं है, ये एक नया फॉर्मूला बन रहा है वहाँ, उस फॉर्मूले के अंदर बहुत सी चीजें हैं, शेयर है शेयर्स हैं वगैरह वगैरह। अब ये है कि 9 लोग अग्री कर गए हैं कि जी किस तरीके से ICC को चलाना है आगे, बायलैटरल टूर्स जो होने हैं वो कैसे होने हैं, किसने किसके साथ खेलना है, कौन से ब्रॉडकास्टर्स होंगे, वहाँ इत्तफाक हो गया एक किस्म का। और अब हमने देखना है कि हमारा एक वोट है जो कि अब मॉरल स्टैंडिंग है हमारी, अगर उन्हें हमारा वोट चाहिए तो फिर हमारी बात भी सुननी पड़ेगी, सीधी सी बात। बट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी एनी क्वेश्चन आप आई थिंक जी 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 एनी क्वेश्चन हो पहले साहब थे फिर नजम सेठी साहब आ गए, दोनों क्रिकेटर नहीं है क्या क्रिकेट बोर्ड का सरबरा क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं होना सारे तो आप तो हमेशा यही कहते हैं। नहीं 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 आप सारी दुनिया में देखो जिनके चेयरमैन से उनमें कौन क्रिकेटर हैं, बहुत कम है, गलती से हम हैं, मगर पहले और जितने भी देखे दूसरे मुल्कों के ज्यादा कहीं तरह इसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू रन द थिंग्स, बाकी तो पूरी टीम की टीम है, क्रिकेटर्स भी हैं सारे हैं। बट सब आपने प्लेट पावर खत्म करने में बड़ा अहम किरदार किया, क्या चीज फिर प्लेट पावर खत्म करने में आपका बड़ा अहम किरदार था, इंशाल्लाह आइंदा ये भी करेंगे। सवाल पूरा सुने कि अभी भी चंद आने उनमें से मौजूद हैं जो प्लेट पावर शो करते हैं, तो आपने सेठी साहब को उनकी तफसीलात दी हैं? भाई मेरी बात सुनो, मैं तो सेठी साहब को जो कहते हैं वो जरूर एडवाइस करूंगा, मगर आप लोग भी इनको सही एडवाइस किया करो ना, सिर्फ क्रिटिसाइज ना करा करें आप। मैं तो तब 3 साल सिवाय क्रिटिसिज्म के और कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी मेरे काफी क्रिटिक होंगे, तो इसलिए वो चलता रहता है, काम तो करना ही होता है ना। बरसा बिग थ्री के हवाले से पाकिस्तान के पास आपकी नजर में वाहिद ऑप्शन क्या रह गया? देखो जी ये ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं होती, मेरे से इन्होंने मशवरा किया, मैं इनके अपने भी व्यूज हैं तो मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ, तो मैंने तो इनसे सिर्फ ये सजेशन दी है कि जो आपके व्यूज है उसके मुताबिक चलें, एंड यू शुड करंटली नॉट अनाउंस टिल द मैटर्स डेवलप। आपकी पर्सनल राय क्या है बिग थ्री के हवाले से? हां आपकी पर्सनल राय क्या है बिग थ्री के हवाले से? पंजाबी विच दसां कि अंग्रेजी विच दसां? पंजाबी बोलदे हो सब उर्दू में? हां उर्दू में आंदे नहीं यार, मैं इंग्लिश दा। हां इंग्लिश दा मतलब मेरी मेरी गल सुनो, मेरा ख्याल यहाँ कोर्ट नहीं करना, तीनों सूर के बच्चे ने क्वेश्चन हूँ तुम और पूछो बस काफी हो, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू जी। लगता है बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है सेठी साहब के साथ, आप क्या फर्क देखा आपने जकाश साहब ने और सेठी साहब ने? मैं तो ये पहली दफा ही आया हूँ बोर्ड में, जब का छोड़ा हुआ है तो मैं कुछ जकाश अशरफ के साथ मुलाकात कोई मेरी हुई नहीं, वैसे सलाम दुआ फिर सोशली हुआ है, नथिंग एल्स, थैंक यू, थैंक यू बस जी। आईने के हवाले से भी एक चीज बस जी, चेयरमैन पीसीबी और साबिक चेयरमैन पीसीबी मीडिया से गुफ्तगू